जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। उन आतंकियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया गया है जो पाकिस्तान जाकर शरण लिए हुए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बताया है कि पाकिस्तान में शरण लेने वाले सभी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी बताया है कि पुलिस के पास उन आतंकवादियों की एक लिस्ट है जो कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद शरण लेने के लिए पाकिस्तान भाग गए। हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। इस बीच बिहार के सिवान में लूट का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां पर हथियारों के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका चौंका देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें तीन बदमाश हथियारों से लैस होकर एक बैंक के सीएसपी सेंटर यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट सेंटर में घुसते नजर आए। उन बदमाशों ने अपने चेहरे को छिपा रखा था ताकि उनको कोई पहचान न सके। यही नहीं, हथियार के बल पर वो बदमाश सीएसपी सेंटर के काउंटर में रखे रुपयों को निकालते दिखे। इस बीच एक बदमाश वहां रखे लैपटॉप को उठाता नजर आया। हमको तो लग रहा है कि 2.5-3 लाख का मेरा लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके चला गया और मोबाइल 70-75 का। सिवान में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद सनसनी मच गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां कुत्ते के काटने से 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। शावेज नाम के उस लड़के को 1.5 महीने पहले उसके घर के पास एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। लेकिन धीरे धीरे शावेज की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि किसी भी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो सका। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें शावेज मौत से पहले अपने पिता की गोद में दर्द से तड़पता दिखाई दिया। अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? उसके शरीर में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज नाम का इन्फेक्शन फैल गया था। ये एक जानलेवा वायरस है जो कुत्ते के काटने से इंसान के शरीर में फैलता है। शावेज के घर वालों के मुताबिक उनके इलाके में रहने वाली एक महिला ने कई कुत्ते पाल रखे हैं और उनमें एक कुत्ते ने उनके बेटे को काट लिया था, जिसके बाद शावेज के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सांड 8 साल की एक बच्ची पर हमला करता दिखाई दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो बच्ची स्कूल जा रही थी और तभी उस सांड ने अपने सींगों से उसे पटक दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची उस सांड को बचाने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन उस सांड ने उस बच्ची का पीछा कर उस पर हमला कर दिया।